हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन डे लॉ रिविजन मॉड्यूल 8 ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेमिडियल स्टैट्यूट्स। लेट्स क्विकली गो थ्रू द सिनॉप्सिस फर्स्ट। हियर वी विल कवर डिस्टिंक्शन बिटवीन रेमिडियल एंड पेनल स्टैट्यूट्स, लिबरल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेमिडियल स्टैट्यूट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। रेमिडियल स्टैट्यूट, रेमिडियल स्टैट्यूट ये वीकर सेक्शन के बेनिफिट्स के लिए होता है, जहाँ पे वीकर सेक्शंस को एक न्यू फेवर या रेमेडी दी जाती है ताकि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो इन द एनफोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ अ पर्सन जिसने भी गलत किया, या फिर किसी रॉन्ग को रिड्रेस करने के लिए, या किसी पुराने फॉर्मर लॉ के जो मिस्टेक्स है उसको रिमूव करने के लिए जो रेमेडियल स्टैट्यूट या फिर वीकर सेक्शन को के जो लॉ एनफोर्समेंट राइट्स है उन्हें इम्प्रूव करने के लिए रेमेडियल स्टैट्यूट होता है। पेनल स्टैट्यूट मतलब जब भी किसी ने किसी लॉ को फॉलो नहीं किया है या ओबीडियंट, या ओबीडियंट का अपोजिट डिसओबीडियंट है वो किसी लॉ को लेके, तो उसको जो पेनल्टीज दी जाती है दैट इज पेनल स्टेटेड स्टैट्यूट। तो अब हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन रेमेडियल स्टैट्यूट एंड पेनल स्टैट्यूट। तो रेमेडियल स्टैट्यूट बात करता है किसी इंसान के अगेंस्ट जो गलत हुआ है उसके बारे में, और पेनल स्टैट्यूट स्टेट के अगेंस्ट हुए हुए गलत की बात करता है। यहाँ पे इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो गलत हुआ है और यहाँ पे स्टेट के। रेमेडियल में ऐसी मैटर्स की बात होती है जहाँ पे किसी इंडिविजुअल के राइट्स अफेक्ट हुए हैं, पेनल में जहाँ पे पूरी कम्युनिटी के राइट्स अफेक्ट हुए हैं, या ऐसा मैटर जो पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट करता है। रेमेडियल स्टैट्यूट रेमेडी प्रोवाइड करता है फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट सिविल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के प्राइवेट सिविल राइट्स की रेमेडी है ये, और पेनल स्टैट्यूट में पनिशमेंट दिया जा रहा है पब्लिक के साथ गलत करने पे। रेमेडियल स्टैट्यूट डील करता है रॉन्गफुल एक्ट्स के अगेंस्ट जिसकी रेमेडी सिविल एक्शन में दी गई है। रेमेडियल स्टैट्यूट डील करता पेनल स्टैट्यूट डील करता है रॉन्गफुल एक्ट्स के साथ, द कमीशन ऑफ विच अट्रैक्ट्स प्यूनिटिव एक्शन, यानी कि पेनल एक्शन। रेमेडियल स्टैट्यूट में रेमेडी दी गई है जिसके भी अगेंस्ट रॉन्ग हुआ है, गलत हुआ है, या तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है फ्रॉम द पार्टी हु हैज़ डन रॉन्ग टू हिम। तो उस केस में जो जिसने रॉन्ग किया है, द रॉन्ग डूअर विल बी लाइबल। और पेनाल्टी के केस में पेनाल्टी होती है जैसे कि इम्प्रिजनमेंट, जेल होता है, फाइन होती है, फॉरफीचर होता है, एक्सेट्रा इम्पोज की जाती है जिसने गलत किया है उसको, ऑफेंडर को। रेमेडियल में ड्यूटीज फिक्स्ड बाय द पार्टी, और पेनल में ड्यूटीज फिक्स्ड बाय द स्टेट, ये रेमेडियल है और ये पेनल है। रेमेडियल में इंजर्ड पार्टी एक्शन लेती है, पेनल में स्टेट एक्शन लेता है। रेमेडियल में प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस इज सफिशियंट, पेनल में नेग्लिजेंस अलॉन्ग विथ क्रिमिनल इंटेंशन इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस और क्राइम। रेमेडियल स्टैट्यूट लिबरल या बेनिफिशियंट कंस्ट्रक्शन रिसीव करता है, बट पेनल में नेग्लिजेंस अलॉन्ग विथ क्रिमिनल इंटेंशन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एन ऑफेंस और क्राइम। रेमेडियल में वेलफेयर, बेनिफिशियंट या सोशल जस्टिस ओरिएंटेड लेजिस्लेशन होता है, पेनल स्टैट्यूट को पेनल बोलते हैं। रेमेडियल स्टैट्यूट आर एनफोर्स्ड बाय लॉ, दिस इज एनफोर्स्ड बाय लॉ व्हेन सूट इज फाइल्ड बाय एन एग्रीव्ड पर्सन इन सिविल कोर्ट और इन ट्रिब्यूनल। और पेनल लॉ कब इनिशिएट होता है, जब स्टेट इनिशिएट करता है अगेंस्ट द क्रिमिनल कोर्ट्स। रेमेडियल में डाउट इज रिजॉल्व्ड इन फेवर ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन फॉर हिज बेनिफिट द स्टैट्यूट इज इनएक्टेड, और पेनल में द डाउट इज रिजॉल्व्ड इन फेवर ऑफ द एलिज्ड ऑफेंडर। लिबरल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेमेडियल स्टैट्यूट, लिबरल कंस्ट्रक्शन ये एक बेंच का एबिलिटी है कि वो लॉ को इंटरप्रिट करे कंसिडरिंग द डिफरेंट फैक्टर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन, एक वर्ड के या एक लॉ के अगर अलग मीनिंग होते हैं तो द अथॉरिटीज लिबरल कि वो प्रमोट करे या डिस्कवर करे स्टेट का ऑब्जेक्टिव कि किस चीज़ से वेलफेयर हो रहा है लॉ का एज वेल एज पीपल का, और अकॉर्डिंगली वो उस हिसाब से उसका मीनिंग निकाले। लिबरल कंस्ट्रक्शन में ऑल्सो भी रेफर टू बेनिफिशियल या बेनेवोलेंट लेजिस्लेशन, क्योंकि बेनिफिट्स कंसिडर करके यहाँ पे मीनिंग इंटरप्रेट किया जाता है, जैसे कि एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948,
कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, यहाँ पे जो वीकर सेक्शन है लेबर या एम्प्लॉयज, इनके बेनिफिट्स या राइट्स को कंसिडर किया गया है। दिस कंस्ट्रक्शन इज गवर्न बाय द गोल्डन रूल एंड द मिस्चीफ रूल। गोल्डन रूल, मिस्चीफ रूल, ये हमने ऑलरेडी दो बार कवर किया है, पिछले मॉड्यूल में और इसके साथ ही सेकेंड या थर्ड मॉड्यूल में। एक वैल्यू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अगेन ये एक लॉ है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो इट शुड बी इंटरप्रिटेड लिबरली, मतलब कंसिडरिंग द गोल ऑफ प्रमोटिंग या डिस्कवरिंग द स्टेट ऑब्जेक्टिव। दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट। मिस्चीफ रूल भी अप्लाई किया जाता है जब स्टैट्यूट एम्बिगुअस है या वेग है या इट इज़ नॉट ईजी टू इंटरप्रिट इट। लेजिस्लेशन अगर प्लेन है तो देन नॉट रिक्वायर्ड। मिस्चीफ रूल एस्टैब्लिश किया गया था एक डिफरेंट अप्रोच पे, जहाँ पे हमने हेडन्स रूल देखा था। यहाँ पे फंक्शनल, पर्पसफुल, लॉजिकल, सोशल इंजीनियरिंग नॉर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को भी कंसिडर किया गया है। अगेन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ लेजिस्लेटिव इंटरप्रिटेशन, बट यहाँ पे जो गोल है दैट इज द लेजिस्लेशन शुड नॉट ऑलवेज बी प्लेन और ट्रांसपेरेंट एज इट सीम्स डिफरेंट टू वेरियस ऑब्जर्वर्स। तो हमेशा लेजिस्लेशन प्लेन या ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, हर ऑब्जर्वर को वो अपने तरीके से या जो इंसान जैसे पढ़ता है उसको उसका मीनिंग वैसे इंटरप्रिट होता है। गोल्डन रूल एक अलग एक रूल है जहाँ पे पहले तो प्राइमा फेशिया यही बोला है कि तुमको लिटरल मीनिंग या जो ऑर्डिनरी मीनिंग है उसको कंसिडर करना है, अनलेस तुमको लगता है कि लीगल कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी होते हैं, एंड देन द नेचुरल एंड यूजुअल मीनिंग ऑफ वर्ड शैल नॉट बी डेविएटेड फ्रॉम। किसी एग्जम्पशन क्लॉज को इंटरप्रेट करते टाइम पे द वर्ड्स मस्ट बी गिवन अ लिबरल इंटरप्रिटेशन विथ नो अब्यूज टू द लैंग्वेज। इट शुड बी नोटेड हाउएवर दैट इलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आउटकम्स शुड बी अवॉइडेड। इलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की जो आउटकम्स है या इलॉजिकल इंटरप्रिटेशन अवॉइड करना है, इसलिए लिबरली इंटरप्रिट करते टाइम पे जजेस गोल्डन रूल और मिस्चीफ रूल को ध्यान में रखते हैं। इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिबरल कंस्ट्रक्शन और बेनिफिशियल रूल, जब कोर्ट को लगता है कि लिबरल इंटरप्रिटेशन अप्लाई करने से रीलेजिस्लेटिंग स्टैट्यूट या सब्स्टिट्यूटिंग, एडिंग या चेंजिंग द टर्म्स ऑफ स्टैट्यूट हो सकता है, तो उस केस में कंस्ट्रक्शन यूज नहीं करते हैं, लिबरल इंटरप्रिटेशन या ये कंस्ट्रक्शन यूज नहीं किया जाता है। जब किसी टर्म के एक ही मीनिंग है तो फिर लिबरल इंटरप्रिटेशन अप्लाई करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि लिबरल इंटरप्रिटेशन में जब डिफरेंट मीनिंग्स है तब हम उसमें से एक मीनिंग लिबरली सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर एक ही मीनिंग है तो लिबरल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। जब किसी टर्म के एक से ज़्यादा मीनिंग है तभी इट इज़ पॉसिबल। अगर स्टैट्यूट के प्रोविजन्स क्लियर है, अनएम्बिगुअस यानी कि वेग नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो उस केस में लिबरल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। केस लॉ है श्याम सुंदर वर्सेज रामकुमार, ऑल्सो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज टाटा केमिकल्स। बेनिफिशियंट लेजिस्लेशन में हैव टू बी लिबरली इंटरप्रिटेड, बट व्हेन अ स्टैट्यूट डज नॉट अलाउ फॉर मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, जब लॉ के एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहे, तब लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं, लिटरल इंटरप्रिटेशन यूज़ किया जाता है। कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज वर्सेज सौराष्ट्र केमिकल्स। लिबरल इंटरप्रिटेशन तभी अप्लाई होता है जब टू पॉइंट ऑफ व्यूज अवेलेबल है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन वर्सेस प्रोविजन फंड कमिश्नर 2008। तो ये था लिबरल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेमेडियल स्टैट्यूट, और हमने साथ ही रेमेडियल स्टैट्यूट और पेनियल स्टैट्यूट के डिफरेंसेस देखे इस मॉड्यूल में। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।